हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहजाद और आज की इस वीडियो में मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि मोबाइल फ़ोन के कैमरे हो गए या फिर DSLR हो गया, उनके अंदर जो मोड आते हैं वो सब एक्चुअली काम कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अभी दोस्तों, आपने SDR, पोर्ट्रेट मोड, टाइम स्लैप, पनोरामा मोड, ये सब नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते, तो उस सब के बारे में मैं आप बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात करें सबसे पहले SDR मोड की, तो जो SDR मोड होता है उसका जो फुलफॉर्म है हाई डायनेमिक रेंज, जो कि उसका काम ये होता है कि आपने कभी इमेज देखा होगा कि अगर कोई विदाउट SDR से जो इमेज लेते हो तो उसमें कलर जो ब्राइटनेस होती है वो ओवर एक्सपोजर होती है, और अगर आप देखो अगर ध्यान से तो उसमें ज़्यादातर फोकस भी नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों जो SDR मोड में आप फोटो क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो इमेज ओवर एक्सपोजर होती है वहाँ पे उसको कंट्रोल करता है और अच्छे खासे एक ओवरऑल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आपको फोटो शूट करके देती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक वाइज देखने को मिलता है आप। तो ये था दोस्तों SDR बिना के फोटो में डिफरेंस और SDR के साथ जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अपर्चर के बारे में, दोस्तों आप लोगों ने अपर्चर तो सुना होगा, अभी जो मोबाइल फ़ोन आते हैं हर मोबाइल फ़ोन के जो कैमरे स्पेसिफिकेशन में होता है वो आप लिखे हुआ होता है कि f/1.7 अपर्चर या कह लो 2.4 अपर्चर। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपर्चर क्या होता है, आपने देखा होगा कैमरे के लेंस के अंदर आपको एक छोटा सा होल दिखता है, वहाँ पे दोस्तों ये आप कह लो अगर दरवाजा कह लो या कोई भी अगर एक सटल कह लो इस तरीके से वो काम करता है। जब भी आप फोटो शूट करते हो तो उस टाइम पे वो एक लेंस के अंदर जो जगह होती है वो ओपन रहती है और वहाँ पे वो लेंस के थ्रू लाइट जाती है, वहाँ पे उस जो दरवाज़ा अगर सटल कह लो वो दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे जो लेंस होता है उस तक लाइट पहुँचती है। तो वो अपर्चर जितना छोटा होगा, जितना बड़ा यानी अपर्चर का जो नंबर है वो जितना छोटा होगा उतना बेहतरीन रहेगा और वो दरवाज़ा उतना बड़ा रहेगा, वो सटल उतना बड़ा रहेगा, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा लाइट जा पाएगा तो फोटो काफ़ी अच्छा बेहतरीन ले पाएगा। और बेनिफिट देखने को मिलता है अपर्चर अगर कम हो तो, वहाँ पे आपको बूके इफेक्ट जो होता है, जो आप कह लो पोर्ट्रेट मोड वगैरह जो आप इमेज लेते हो तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है अगर आपने फोकस किया सब्जेक्ट पे तो जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर देगा और जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस रखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर पोर्ट्रेट मोड में अगर फोटो लेना है या फिर बूके इफेक्ट के फोटो लेने हैं तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है, अगर अपर्चर कम हो तो काफ़ी बेहतरीन आप बूके इफेक्ट के साथ जो पिक्चर से शूट करते हो वो काफ़ी बेहतरीन शूट देखने को मिलेंगे आप। दोस्तों आप में से पोर्ट्रेट मोड तो काफ़ी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि पोर्ट्रेट मोड जैसे आपने मैंने बताया आपको पहले जो अपर्चर के साथ जो बुके इफेक्ट वाले इमेज होते हैं वैसे ही ये पोर्ट्रेट मोड में आप फोटोज ले सकते हो। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और जो बैकग्राउंड हो जाए उसको ब्लर कर दिया जाता है, ऐसे ही कुछ काम करता है उसके अंदर। तो जो नेक्स्ट है वो है ऑप्टिकल जूम एंड डिजिटल जूम। डिजिटल जूम क्या होता है दोस्तों, जो जूमिंग होता है, जो जूमिंग कैपेबिलिटी होती है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, जो कि आपको कभी कभी इमेज काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलता, ब्लर हो जाता है, उसमें काफ़ी बेहतरीन देखने को नहीं मिलता। और अगर यहाँ पे बात करें ऑप्टिकल इमेज की, तो ऑप्टिकल इमेज जो बेस्ड होता है वो हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे आपको जो इमेज है वो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन लुक वाइज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्टिकल जूम वाले जो डिवाइस होते हैं वो काफ़ी तरह महंगे भी होते हैं और जो डिजिटल जूम होते हैं वो सस्ते देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इतना एक्सपेंसिव होता नहीं, और यहाँ पे जो ऑप्टिकल जूम होता है वहाँ पे हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए वहाँ पे थोड़ी प्राइस रेशियो बढ़ जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है EIS और OIS। यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी हद तक आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो इसमें काम क्या होता है, आपने देखा होगा जब वीडियो शूट करते हैं या फिर कोई भी फोटो शूट करते हैं, हालांकि ये जो फीचर्स है वो वीडियो में ज़्यादा कैप्चर किया जाता है कि अगर ये जो वीडियो हम शूट करते हैं उसमें आप देखते हो स्टेबलाइजेशन नहीं देखते, स्टेबल वीडियो नहीं आता। यहाँ पे दोस्तों यही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये फीचर्स ऐड किया गया है। यहाँ पे EIS है, उसका जो फुलफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज स्टेबलाइजेशन, और यहाँ पे जो दूसरा है OIS वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन होता है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है, जो कि एक वीडियो या कोई भी हो उसको जो फ्रेम होता है उसके आजू बाजू के कॉर्नर को थोड़ा सा क्रॉप कर देता है, उसके बाद वीडियो शूट करता है तो जो शेकेबल मूवमेंट होते हैं वो उतने ज़्यादा महसूस नहीं होते,
एज कम्पेयर टू अगर देखें तो नॉर्मल वीडियो शूट के अंदर आपको ज़्यादा शेकेबल वीडियो देखने को मिलते हैं और देखने में भी मज़ा नहीं आता। तो अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हैं फीचर्स को तो वहाँ पे काफ़ी बेटर इन वीडियो शूट होता है। दोस्तों OIS में क्या होता है कि जो लेंस होते हैं उसके अंदर इस तरीके से कन्फिगर किया जाता है कि काफ़ी स्टेबलाइजेशन होता है, वो काफ़ी बेहतर ले सकते हैं उससे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनली हार्डवेयर में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो काफ़ी बेहतरीन वीडियो शूट हो सकता है उससे। तो आपको ये फीचर्स जो OIS है वगैरह ये जो फीचर्स है वो आपको फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे कुछ मिड रेंज के फ़ोनों में भी देखने को मिल जाता है, और कैमरे में बात करें तो कैमरे में तो देखने को मिलता ही है। और अगर बात करें यहाँ पे फ्लैगशिप डिवाइस की तो आपको ये जो OIS फीचर्स है वो आपको फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिलता है। मोड है वो है पैनोरामा मोड। अगर आपने देखा होगा आपके कैमरे फंक्शन के अंदर भी लिखा होता है कि पैनो, वहाँ पे आप तो देखें तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है। यहाँ पे दोस्तों जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो कैमरे की फ्रेम वो एक नॉर्मल साइज़ के अंदर डिफाइन किए हुए होते हैं, एक रेगुलर साइज़ में फ़ोटो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम आउटडोर फोटो शूट करते हैं या फिर कह लो एक कमरे का पूरा फोटो शूट करना हो, क्या होता है दोस्तों काफ़ी बड़ा स्पेस होता है और उसको एक फ्रेम में कैप्चर करना मुमकिन नहीं है। तो अगर आपको वो पूरी डिटेल के साथ फोटो लेना है तो मैं मोड के साथ फोटो ले सकते हो, काफ़ी डिटेल में पूरा फोटो आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक लैंडस्केप मोड में आपको फोटो देखने को मिलता है, काफ़ी बेहतरीन पूरी डिटेल के साथ आपको फोटो कैप्चर करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है टाइम लैप्स। अगर आपने देखा होगा कुछ मूवीज में सीन देखते हो कभी एकदम स्पीड में गाड़ियाँ चलने लगती है, या देखा होगा कभी आसमान एकदम स्पीड में चल रहे हैं, ऐसे वगैरह जो सीन्स होते हैं वो देखते हो आपको, तो वहाँ पे ये जो एक्चुअली फंक्शनलिटी होती है वो टाइम लैप्स की वजह से देखने को मिलती है, जो वीडियो शूट करते हैं वगैरह में आपको देखने को मिलती है। ये एक्चुअली होता क्या है, जब आप टाइम लैप्स के अंदर थ्रू जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसके अंदर जो टाइमिंग गैप होते हैं उसको या तो फॉरवर्ड कर दिया जाता है, एकदम स्पीड से शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टाइम को एकदम मोर देन 20 टाइम उसको स्पीड से चलाया जाता है। तो उसके हिसाब से जो वीडियो होता है वो काफ़ी स्पीड से चल जाता है। और अगर देखा होगा आपने कभी सूर्य एकदम अचानक निकल आता है और जल्दी से डूब भी जाता है, वैसे देखने को मिलता है, ऐसे कुछ मूवी सीन में देखने को मिलता है ना, जैसे सूर्य निकल गया अचानक से, फिर सुबह हो गई, रात हो गई, ऐसे। तो ये इसी की वजह से पॉसिबल होता है, काफ़ी पॉपुलर है आजकल, तो चल भी रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और टिकटॉक में ये काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका है टिकटॉक की वजह से। तो ये है स्लो मोशन, ये तो आप जानते हो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स है, अभी हर फोन में देखने को मिल जाता है, हमें मिड रेंज और फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ये जो एक्चुअली स्लो मोशन काम करता है, एक टाइमिंग गैप को स्लो कर देता है और जो वीडियोस का जो फ्रेम होता है उसको रोक लेता है और स्लो मोशन में उसको चलाना शुरू करता है, तो काफ़ी बेहतरीन लुक देखने को मिलता है अगर स्लो मोशन में वीडियो शूट करे। यही था दोस्तों कुछ कैमरे के मोड के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ अगर कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस बी अपॉन यू, पीस।